सुबह सुबह आदित्य जल्दी तैयार होकर सीधा घर के बाहर जाने को निकला कि तभी पीछे से उमा ने पूछा, आदित्य इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आदित्य बहाना बनाते हुए बोला, वो ऑफिस के काम से। उमा ने हैरान होकर कहा, ऑफिस? लेकिन आज तो संडे है। हाँ तो मैंने ऑफिस थोड़ी ना कहा, मैंने कहा ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। ये बोल वो फटाफट वहां से निकल गया। उमा को थोड़ा अजीब लगा पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य एक्साइटेड होकर अपनी कार में बैठा और छोटी चौपड़ की तरफ निकल पड़ा। उसे मिली से मिलना जो था, वहां पहुंच उसने कार मिली के घर से थोड़ी दूर ही रोक ली, पर वो उसके घर नहीं जा सकता था। कल ही तो उसके भैया ने उसकी बहन का रिश्ता मना किया था, अब वो हंसते हंसते उसका घर में स्वागत नहीं करने वाले और न उनके सामने वो मिली से बात कर पाएगा। तो वो मिली से मिले कहाँ? वो ये सोच ही रहा था कि उसने मिली को घर से बाहर आते देखा। उसने दूर से ही उसका पीछा किया। वो एक डेयरी की दुकान पर रुकी थी। वहां वो उसे एक छोटे बच्चे से बात करते देख वो कार से उतर गया और दुकान पर मिली के पास आकर बोला, भैया एक किलो दूध देना। मिली अचानक उसे देखकर हैरान हो गई। आदित्य भी उसे देखकर हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे मिली जी, आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ हो। पहले मिश्री लाल, अब यहाँ। देखिए ना, किस्मत हमें बार बार मिला रही है। मिली ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य बहाना बनाते हुए बोला, मैं तो दूध लेने आया था। अरे मैं तो रोज आता हूँ, वो तो आप पहली बार मिली यहाँ। मिली ने हैरानी से पूछा, रोज? शास्त्री नगर से त्रिपोलिया इतनी दूर आप दूध लेने क्यों आते हैं? आदित्य हिचकिचाते हुए बोला, मॉम को यहाँ का दूध बहुत पसंद है। ये सुन दुकान पर बैठा छोटू अपने पापा से बोला, वाह पापा, आपकी दुकान तो बड़ी हाईफाई हो गई है। शास्त्री नगर से लोग आ रहे हैं यहाँ, वो भी सिर्फ दूध लेने। उसके पापा ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए दूध की थैली आदित्य की तरफ बढ़ा दी। उसकी थैली लेते ही वो भैया बोले, अरे हमारी दुकान 80 साल पुरानी है, पुश्तों से चल रहा है, गिरदारी दूध दही भवन। पूरे जयपुर में हमारे जैसा लच्छेदार मलाई वाला दूध कहीं नहीं मिलता। भाई साहब थोड़ा पनीर भी पैक कर दूं। वो ये सब कह रहे थे और मिली वहां से जा रही थी। उसे जाता देख आदित्य भी उसके पीछे निकल गया। तभी डेयरी से भैया ने आवाज लगाई, भाई साहब दूध के पैसे। और आदित्य को वापस आना पड़ा। उसने जल्दी जल्दी में 500 का नोट उन्हें दिया और वहां से जाने लगा। ये देख भैया बोले, अरे ये बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप बच्चे को चॉकलेट खिला दीजिएगा। ये कहकर आदित्य वहां से जा रहा था कि छोटू ने उसकी शर्ट खींची और इशारा करके कान देने को कहा। उसे देख आदित्य झुका तो छोटू ने धीरे से उसके कान में कहा, मिली दीदी अभी घर नहीं जा रही, वो पास के गोल पार्क में जा रही है। वो रोज दूध लेकर पार्क में चक्कर मारती है, फिर घर जाती है और शाम को 5 बजे दुकान पर मुझे पढ़ाने आती है। ये सुनकर वो उससे बहुत इम्प्रेस होकर बोला, वाह तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। इस पर छोटू उससे बोला, वो तो ठीक है, पर बदले में चॉकलेट के पैसे डायरेक्ट मुझे दो। आदित्य ने हंसते हुए अपनी पॉकेट से पर्स निकाला और कहा, आजकल की जनरेशन कमाल है, पापा को दिए काफी नहीं है? छोटू ने ना में सर हिलाया तो आदित्य ने उसे और पैसे दिए। छोटू मुस्का दिया और बोला, आप मुझे वाकई में अच्छे लगते हो, मैं अपनी तरफ से दीदी को सिफारिश कर दूंगा। मेहरबानी, कहते हुए आदित्य उसके सामने हाथ जोड़कर वहां से चला गया। वो गोल पार्क में मिली को ढूंढ रहा था। तभी मिली उसे पेड़ के नीचे रखी बेंच पर अकेली बैठी दिखी। वो उसके पास गया। मिली ने उसकी तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार उसे क्यों मिल रहा है। आदित्य भी उसी बेंच पर बैठा और बोला, मैंने आपसे झूठ कहा था, किस्मत नहीं खुद आया मैं आपसे मिलने। मिली ने हैरानी से पूछा, क्यों? तब उसने बताया, क्योंकि कल मैंने जो आपसे बात की वो कुछ अधूरी सी लगी, ऐसा लगा कुछ और भी सुनना बाकी है। मिली हैरान होती हुई बोली, मैंने तो सब बता दिया था, गुलाब के पौधे में कौन सी खाद पड़ती है, कितना पानी डालना है। नहीं ये नहीं, तो क्या सुनना है आपको? आदित्य कुछ वक्त
चुप रहा, फिर बोला, आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? क्या आप वाकई में कुंडली वगैरह में मानती हैं? मिली ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या फर्क पड़ता है मेरे मानने या ना मानने से? जो है वो तो है, मेरी कुंडली में दोष मेरे ना मानने से चला तो नहीं जाएगा? आदित्य ने उससे पूछा, मतलब अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आप उससे शादी नहीं करेंगी क्योंकि कुंडली में प्रॉब्लम है? मिली हैरान होकर बोली, ये कैसा सवाल है? आदित्य ने बात संभालते हुए कहा, देखिए 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है, वक्त एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। आपको एक कुंडली जिसका कॉन्सेप्ट भी पता नहीं क्या है, उसके चक्कर में आकर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि वक्त बर्बाद करना मतलब जिंदगी बर्बाद करना। आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? ये सुन मिली की आंखें नम हो रही थी, पर वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, सो अपने दुपट्टे को थोड़ा ठीक करने के बहाने वो अपनी आंखें पोंछ रही थी। ये सब देख रहे आदित्य ने कहा, आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था, पर आपको इसमें से निकलना तो पड़ेगा ही। ये सब सुनकर मिली को बहुत अजीब लग रहा था, वो उससे इस तरह से क्यों बात कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। आदित्य ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं जब छोटा था तो एग्जाम में एक ही पेंसिल लेकर जाता था, मैं उसे अपनी लकी पेंसिल समझता था। मुझे लगता था कि मैं अपनी मेहनत से नहीं बल्कि उस पेंसिल की किस्मत से पास हो रहा हूँ। फिर एक बार मैथ्स के एग्जाम में मेरी वो लकी पेंसिल गुम हो गई, मैं बहुत रोया, बड़े बेमन से मैंने एग्जाम दिया, मैंने सोचा कि पक्का फेल होने वाला हूँ, पर रिजल्ट के वक्त पता चला कि क्लास में सबसे अच्छे नंबर मेरे आए थे। उस दिन मेरा भ्रम टूट गया। आपके मन में भी भ्रम है, उसे जितना जल्दी तोड़ेंगी उतना अच्छा रहेगा। मिली उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, हर चीज भ्रम नहीं होती, हर चीज सच भी तो नहीं होती, चांस तो देना चाहिए उसे। उसकी ये बोलती ही वो उठ खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। आदित्य ने उसे आवाज लगाई, मिली जी रुकिए एक मिनट, मान लिया कुंडली होती है, पर क्या पता आपकी कुंडली बनाने में कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो? मिली ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, तो भी क्या, आप ये सब मुझे क्यों समझा रहे हैं, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ, आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदित्य उसके पास आते हुए बोला, बात सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। आपकी? मिली हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी मेरी, मुझे आपके साथ कुल्फी खानी है। क्या? मिली के इस सवाल का जवाब देते हुए आदित्य ने पास खड़े कुल्फी वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ वो देखिए मटका कुल्फी, एक एक खा लेते हैं। कहते हुए वो कुल्फी वाले की तरफ चला गया। वो पसीना पसीना हो गया था, वो उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था पर कह ही नहीं पा रहा था। तभी पीछे से मिली बोली, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। कहते हुए वो फटाफट कुल्फी भी ले आया और फिर बोला, लीजिए लीजिए पिघल जाएगी। मिली ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो दो दो कुल्फी संभाल नहीं पा रहा था। देखिए मेरी शर्ट की स्लीव्स खराब हो रही है, एक ले लीजिए ना प्लीज। उसे परेशान होता देख मिली ने उसके हाथ से एक कुल्फी ले ली। आदित्य ने अपनी कुल्फी खाते हुए उससे कहा, अरे खाइए ना, नहीं तो आपकी ड्रेस भी खराब हो जाएगी, बह रही है देखिए। कुल्फी वाकई में बह रही थी, उसका कुर्ता थोड़ा खराब हो रहा था। कुल्फी को पिघलता देख मिली ने भी फटाफट कुल्फी खाना शुरू कर दिया। उसे बच्चों जैसे कुल्फी खाते देख आदित्य को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सीरियस और मैच्योर साइड तो देखा था उसने, पर उसके अंदर के बच्चे को अब देख रहा था। अचानक मिली कुल्फी खाते हुए रुक गई और बोली, अजीब लग रहा है। आदित्य ने कुल्फी की बाइट ली और कहा, नहीं तो बढ़िया है कुल्फी। मिली ने अपने सर पर हाथ दे मारा और बोली, मैं कुल्फी की बात नहीं कर रही, आपके साथ इस तरह मुझे नहीं होना चाहिए। आपके भाई ने मेरी बहन का रिश्ता ठुकराया और मैं गार्डन में खड़े होकर आपके साथ कुल्फी खा रही हूँ, क्यों? आदित्य जो अपनी कुल्फी अब तक पूरी कर चुका था, उसने उसकी डंडी पास के डस्टबिन में डालते हुए कहा, पॉइंट तो है, आप मेरे साथ कुल्फी खा क्यों रही हैं? हम आपके हैं कौन? ये सुन मिली ठंडी पड़ गई, उसे कुछ समझ नहीं आया।
वो अपने हाथ में पकड़ी कुल्फी लेकर डस्टबिन की तरफ गई और तभी आदित्य ने उसे रोकते हुए पूछा, ये क्या कर रही हैं आप? फेंक रही हूँ, नहीं खानी मुझे। मिली का ये जवाब सुन आदित्य ने कहा, तो मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगा। ये कहते हुए उसने मिली के हाथ से कुल्फी ले ली और उसे खाने लगा। तभी मिली बोली, अरे ये मेरी जूठी है। इस सवाल पर आदित्य ने मुस्काते हुए कहा, हाँ तभी तो ये ज्यादा मीठी है। उसकी बातों से परेशान होकर मिली मुड़कर वहां से जाने लगी। ये देख आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, मिली जी रुकिए, आप कुछ भूल रही हैं। मिली ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब क्या? वो उसके पास आया और बोला, इतनी जरूरी चीज आप यहाँ कैसे छोड़कर जा सकती हैं? मिली ने हैरान होकर पूछा, कौन सी चीज? ये आदित्य ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, ये। मिली के दिल की धड़कने हल्की हल्की बढ़ रही थी। उसने धीरे से उससे पूछा, ये क्या? वो उसके थोड़ा और करीब आया और उस खाली बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दूध का पैकेट, आप यहाँ बेंच पर छोड़कर घर जा रही थी, चाय कैसी बनेगी, कितना जरूरी है दूध? ये सुन मिली की धड़कने वापस नॉर्मल हो गई। वो बेंच की तरफ भागी और उसने दूध का पैकेट उठाया। उसे जाता देख आदित्य ने उससे पूछा, आप फिर मिलेंगी ना? क्यों? अरे सवाल का जवाब सवाल। खैर आपको तो छूट है, आप कुछ भी कर सकती हैं, तो बताइए मिलेंगी? मिली मुस्कुराई और बोली, नहीं कभी नहीं। आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अच्छा क्यों? इस नाचीज पर इतना जुल्म क्यों? मिली थोड़ा आगे चली गई थी। आदित्य भी उसके साथ साथ चलता हुआ उससे बातें कर रहा था। वो गार्डन के गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपके भाई ने मेरी बहन से शादी के लिए मना कर दिया इसलिए। इस पर आदित्य ने परेशान होकर कहा, ओफो वो तो भैया ने किया, मैंने थोड़ी। सच बताऊं, अगर मैं भैया की जगह होता और आपकी बहन की जगह आप होती तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता, सच्ची। ये सुनकर मिली के कदम रुक गए। उसने आदित्य की तरफ देखा और पूछा, क्या? वो बोला, हाँ मिली जी, मैंने भी आज तक ये किसी लड़की से नहीं कहा है, मुझे भी अजीब लग रहा है, पर मिली जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरह से आप पौधों का ध्यान रखती हैं, जिस तरह से आप अपने इमोशंस को भी इतना मैच्योरली संभालती हैं, जिस तरह से आप बच्चों जैसे हंस देती हैं, मुझे आपके बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। ये सुनकर मिली गुस्से में उससे बोली, आपको पता है ना मेरी कुंडली में? आदित्य ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ बाबा दोष है पता है, फिर क्यों? मिली के इस सवाल पर आदित्य उससे बोला, मैं कुंडली उंडली नहीं मानता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? मिली ने उससे कहा, ये कोई खेल लग रहा है आपको? पता है कुंडली के अनुसार शादी होने के बाद मेरी पति को जान का खतरा होगा, समझ रहे हैं क्या हो सकता है? सोचिए अगर आपको कुछ हो गया तो। आदित्य बड़े रोमांटिक अंदाज में किसी मजनू की तरह बोला, चलिए कम से कम ये तो पता चला कि आपको हमारी परवाह तो है, पर अब तक ये नहीं बताया आपने कि आपको हमसे मोहब्बत है या नहीं। मिली ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, आप समझिए मेरी कुंडली में। आदित्य ने फिर उसे बीच में ही टोक दिया, कुंडली भूल जाइए प्लीज, एक बार के लिए मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई दोष ही नहीं है। अब बताइए आपका जवाब हाँ होता या ना? मिली चुपचाप वहां खड़ी रही, वो कुछ नहीं बोली। उसे इस तरह चुप देख आदित्य बोला, ठीक है आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना ऑकवर्ड फील करवाया, अब मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। ये कहते हुए वो उदास होकर वहां से जाने लगा। उसे जाता देख मिली को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी, यही सही था। पर वो उसे इस तरह उदास भी नहीं देख पा रही थी, वो कश्मकश में थी। आखिर उसने आदित्य को आवाज लगा दी, आदित्य जी। ये सुन आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर फिर वो मुस्कुराहट को दबाकर पीछे मुड़ा और बोला, जी कहिए। मिली बहुत नर्वस हो रही थी, वो अपने दुपट्टे की छोर को उंगलियों में फंसाए बोली, मैंने ना नहीं कहा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और बोला, मतलब हाँ है? मिली ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। आदित्य जोर से बोला, वुहू करते हुए नाच रहा था।
सबकी नजरें अपनी तरफ देख मिरी ने उसे रोकते हुए कहा, धीरे, सब यही देख रहे हैं। सॉरी, पर थैंक यू, आपको पता नहीं है आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मिली थोड़ा उदास होकर बोली, मुझे नहीं पता मैं खुशी दे पाऊंगी या नहीं, मेरी कुंडली। आदित्य उसकी कुंडली वाली बात से अब परेशान हो चुका था। ओफो, फिर कुंडली? ठीक है, कुंडली को भी देख लेते हैं। एक काम कीजिए, अपनी बर्थ डेट बताइए। क्यों? मिली के सवाल का जवाब देते हुए आदित्य ने उसे समझाया, ताकि मैं पर्सनली आपकी कुंडली बनवाऊं और चेक कराऊं कि जो लिखा है वो सही भी है या नहीं। पता चला एवी माने जा रहे हैं। मिली ने उसे अपने जन्म की तारीख और समय बताया, जिसे आदित्य ने अपने मोबाइल में नोट कर लिया। तभी हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देख मिली ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। आदित्य उसके साथ चलते चलते बोला, जी, पर मुझ पर भरोसा रखिए, इसका हल जरूर मिलेगा। भरोसा है ना मुझ पर? भरोसा ना होता तो कुल्फी खाती क्या आपके साथ? ये कहकर वो वहां से मुस्कुराकर चल दी। उसे जाता देख आदित्य अपने आप से कहने लगा, कुंडली हो या ना हो, मिली तो मेरी है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े चलेगा, पर मेरी शादी होगी तो सिर्फ मिली से ही होगी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।